हल्द्वानी में शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोग परेशान हैं। पुलिस और प्रशासन शहर के नागरिकों की सहूलियत को लेकर नए आयाम ढूंढ रही है, जिसके चलते प्राथमिक चरण में कालू सिद्ध है बाबा के मंदिर से बाजार जाने को लेकर बनाने की योजना पर शीघ्र काम होगा। मीडिया से बात करते हुए आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि इससे अंडर पास से काफ़ी लोगों को फायदा होगा और यहां लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। करीब 95 लाख में ये अंडर पास बनाया जाएगा और इसका सर्वे कार्य चल रहा है। वहीं देवल चोड़ चौराहे के पास काफ़ी जाम रहता है, जिसके लिए कमिश्नर ने पैसे की स्वीकृत कर दी है, जिससे लोगों की राह आसान हो। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो मिले हैं, जो उसमें का कुछ हिस्सा जो है ट्रैफिक के लिए भी दिया गया है, तो मेरे द्वारा इनको बताया गया है कि इसका अधिक से अधिक हिस्सा हम ऐसे छोटे प्रोजेक्ट में ले और जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करे वो प्रोजेक्ट ले, ना कि हम ज़्यादा पहले ब्यूटिफिकेशन और बाकी अन्य चीज़ों पे कम ध्यान देते हुए लोगों को जिसमें राहत मिले ऐसे प्रोजेक्ट ले। तो इसी में हमने एक कालू सिद्ध से जो है मार्केट जाने के लिए अंडर पास का भी दिया है, जो 95 लाख का ही है। तो इसका टेक्निकल सर्वे कराया जा रहा है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे जगह है, जैसा देवल चौड़ टीपी नगर पे है, वहाँ बहुत बड़ा बॉटलनेक है, तो उसका काम अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके पैसा भी जो है कमिश्नर महोदय द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। प्रशासन और पुलिस मिलकर जो है संयुक्त रूप से जो है इसमें कार्य कर रही है और जल्दी जो है इस पर परिणाम सड़क पर देखने को मिलेंगे।